स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों आता है आपको पता नहीं है, चलिए हम आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिस्टर अनुज और आप देख रहे हैं हमारे आरएनटी कार सर्विस का वीडियो। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि हमारी गाड़ी कभी कभी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। बैटरी भी चार्ज रहता है और हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, पेट्रोल भी रहता है, बराबर इंजन रहता है, बट हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। आइए फिर हम आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको देखते हुए कि ज्यादा एसिड डालने की वजह से आपके बैटरी का निगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होता है, उसमें क्या होता है कभी कभी रेस्ट कर लेता है ब्लू कलर या ग्रीन कलर का। उससे क्या होता है कि हमारी इंजन को सही से करंट नहीं मिल पाती है, जो 12 वोल्ट सप्लाई है स्टार्टर को डायरेक्ट जाता है रेड कलर का, वो सही से उसको मिल नहीं पाता करंट, इसलिए हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, जिससे हमको लगता है कि हमारा बैटरी फॉल्ट हो गया या हमारा इंजन में कुछ फॉल्ट हो गया या हमारा स्टार्टर चला गया। तो इसमें कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन अधिकांश क्या होता है कि हमारा बैटरी टर्मिनल में जो रेस्ट पकड़ने की वजह से होता है, इसी से स्टार्ट नहीं होता। चलिए फिर आपको दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बैटरी में ऐसे क्यों होता है? देखिए, ये कहां से आता है, क्यों होता है, नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करें, आप अपने बैटरी का पानी चेक करें। आपके बैटरी में ज़्यादा पानी रहता है तो क्या होता है, आपके बैटरी का पानी जो ओवरफ्लो होकर गिरता है तो इसी से टर्मिनल में रेस्ट पकड़ता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या होता है, जब भी आपकी गाड़ी में ऐसा हो तो आपका गाड़ी कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, आपको लगता है कि हमारा स्टार्टर चला गया और बैटरी ख़राब है। इसी सब से बचने के लिए चलिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। पहले तो आप ड्राइवर लोग से है कि आप अपने बैटरी का ये खोल के कवर, इसमें बैटरी का पानी देखें आपके बैटरी में कितना पानी है, और थोड़ा कम कर लें और इसको क्लीन करते रहें। यहाँ पर ग्रीस मैकेनिक को बोलिए ग्रीस लगा के सर्विस में देने के लिए, नहीं तो ऐसा रहता है तो आपको लोग को लगता है कि बैटरी ख़राब है या स्टार्टर ख़राब है। चलिए हैं, तब तक हमारे आरएनटी कार सर्विस को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्क्रीन पर जो रेड कलर का बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए।